यूपी के रामपुर में डेंगू का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें डेंगू के डंक से न जाने कितने लोग बीमार हैं और आधा दर्जन लोगों की मौत भी हो गई है। जी हां, जिले में तेजी के साथ डेंगू पांव पसार रहा है। जिले के टांडा क्षेत्र में और केमरी क्षेत्र के रहसेन गांव में डेंगू मलेरिया से मौत हुई है, पर अधिकारी इन मौतों का आंकड़ा बताने से घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनका जवाब देना होगा। आखिर क्या वजह है कि जिले में डेंगू से मौत हो रही है? विभाग की ओर से डेंगू बीमारी को दूर करने के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठाए जा रहे? विभाग और प्रशासन पर ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मौत की संख्या ज्यादा होने पर अब मलेरिया विभाग जागा है और विभाग की ओर से अब जांच की जा रही है। जी हां, जानकारी के अनुसार गांव रहसेना में डेंगू के प्रकोप के चलते पिछले 5 दिनों में महिला समेत 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। वहीं टांडा में भी 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मलेरिया विभाग जांच में जुट चुका है और 12 व्यक्तियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गांव में बीमारी को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ग्रामीणों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। भयंकर बीमारी होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीणों की कोई चिंता नहीं है। वहीं ग्राम प्रधान शमसुद्दीन के मुताबिक कई बार जिला चिकित्सालय अधिकारी को पत्र भी दिया गया, लेकिन आज तक गांव की ओर स्वास्थ्य विभाग ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मिलक डॉक्टर मोहित ने बताया कि मृतकों के बारे में कोई सूचना अभी तक हमारे पास नहीं आई है। गांव में 2 बार दवाई का छिड़काव करवा दिया गया है। डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए ग्रामीणों को उचित संसाधन प्रयोग करके बीमारी पर काबू पाया जाएगा। डेंगू था उन्हें, और पहले कवि सिंह के यहाँ लेके गए थे, फिर उन्हें उसमें लेके दिया था, क्या बोलते हैं, कौन सा अस्पताल है, सुशीषा तिवारी, वहाँ पे 3-4 दिन रहे थे। वहाँ पे भी डेंगू की शिकायत बताई थी, और 25 तारीख की सुबह को ख़त्म हो गए थे। अच्छा, और तीन जने लगभग ख़त्म हो चुके हैं डेंगू से, और रहसेना धर्मपुर। और गांव का नाम है रहसेना, ठीक है। खास दिवाली पे पांच बंदों की मृत्यु हो गई डेंगू से। कुछ उपचार वगैरह कराए? उपचार क्या, अगर सरकार थोड़ी हेल्प कर देती तो बढ़िया है, अगर दवाई छोड़ देते तो फायदा है, आगे किसी को कुछ परेशानी होगी। खास दिवाली पे 4-5 बंदों की मृत्यु होगी, और यहाँ पे डेंगू से बड़ी परेशानी हो रही है, कई लोगों की मृत्यु हो रही है। ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं सरकार। खाली सन्नाटा था, दिवाली तो फेंकी गई, इस बार दिवाली होती क्या है। मेरा नाम शमसुद्दीन है, मेरा गांव का नाम ग्राम रहसेना है, तहसील मिलक पड़ती है मेरी, और जिला रामपुर है। मेरे यहाँ लगभग 4 मौतें डेंगू से अब तक हो चुकी हैं। मेरे बार बार प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद मैंने CMO को एक लेटर दिया कि मेरे यहाँ काफ़ी वायरस है डेंगू का, जिसमें मलेरिया से भी पीड़ित हैं लोग, और हर घर में एक ना दूसरा बंदा बीमार है, बुखार से पीड़ित है इसके। मैंने कहा मेरे यहाँ दवा छिड़क बा दो घरों में, तब किसी ने नहीं सुना। मैंने मोहित, हमारे डॉक्टर साहब पढ़ते हैं, मिलक प्रभारी हैं, उनसे कहा मैंने कि हमें 2-3 कट्टे दवा उपलब्ध करा दो, जिससे हम अपने मजदूरों से उन्हें घर घर में छिड़काव कर दें मच्छर का, जिससे कुछ बुखार को कंट्रोल हो सके। तो उन्होंने हमें ऐसी 2 किलो दवा दे दी, पता नहीं कौन सा पाउडर है वो, हमने कराया, बोले घरों में नहीं होगी, गली गली में होगी, बस नालों में जो है वहाँ करवा दो। तो हमें तो लगता नहीं उससे कोई प्रभाव मच्छर पर पड़ा, बराबर मच्छर अभी भी है। और इसके अलावा हमने, और पेपर में भी निकला जब मौतें हुई हैं कि डेंगू से फला गांव में, तो एक दिन एक टीम आ गई खानापूरनी के नाम पे, उसने कुछ ये नहीं करा कि लोगों को किसी तरह की मदद करी हो, बस खानापूरी करके ले गए, बातें बना के चले गए, बाकी किसी तरह की कोई मदद बुखार से पीड़ित वालों को या फिर जो मृतक हैं उन्हें कोई मदद नहीं मिली। सरकार के बयान तो हर समय अच्छे रहते हैं, लोगों के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो अधिकारी हैं वो किसी तरह से धरातल पर काम जमीनी स्तर पर नहीं कर रहे हैं। जो सरकार योजना चला रही है वो ज़मीनी स्तर पर कोई काम हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब सरकार तो बराबर देखते हैं कि हम कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं अच्छा करने का, या स्वच्छता के या साफ़ सफाई के, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अधिकारी सुन नहीं रहे।
किसी तरीके से कोई लाभ गांव स्तर तक पहुंच नहीं रहा। डीएम साहब को मैंने, डीएम साहब नहीं मिले थे लेकिन उनके दान पत्र में वो डाल के आया था मैं एक लेटर, अब पता नहीं उस लेटर पे क्या कार्रवाई हुई, डीएम साहब तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। जी क्या नाम है डॉक्टर आपका? जी मेरा नाम पंकज द्विवेदी, मैं रामपुर में जिला मलेरिया अधिकारी के पद पे तैनात हूं। डॉक्टर ये डेंगू मरीज अपने कितने होंगे? देखिए हमारे पास जो अभी कंफर्म डेंगू की सूचना आई है तो 14 मरीज हमारे ऐसे हैं जिनका हम कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव है, उन सभी को हमने इलाज के जरिए ठीक कर लिया है। इसके अलावा जहां पर वो केसेस मिले थे उन पूरी जगहों पर जो उसकी निरोधात्मक कार्रवाई होती है, इसमें एंटी लार्वल स्प्रे करवाते हैं, स्पेस स्प्रे होता है, फॉगिंग होता है, वो सारी गतिविधि पूर्ण करा ली गई है। उन 14 जगहों में से अभी तक किसी भी जगह पर दोबारा फिर डेंगू का कोई नया मरीज प्रकाश में नहीं आया। इटांडे में जो हुई थी मौत जो हुई उसमें, इटांडे में अखबार के माध्यम से हमको समाचार प्राप्त हुआ था 4 मौतों का, जिसका वेरिफिकेशन हमारी टीम द्वारा किया गया। उसमें से 2 डेथ जो थी वो कार्डियक अरेस्ट की थी और 2 पेशेंट जो थे वो टाइफाइड से ग्रसित थे जिसकी वजह से उनकी मौत। डेंगू का वहां पर अभी तक कोई मृत्यु की सूचना हमारे पास नहीं है, ना ही ऐसा कुछ कोई केस हमारी नजर में आया। अच्छा रामपुर में हॉस्पिटल में जो मरीज लेटे हैं उसमें बताया जा रहा है डेंगू? नहीं, डेंगू जो बताया जा रहा आप जिसको कह रहे हैं वो एक आम जनमानस की भाषा में वो डेंगू का शब्द प्रचलित हो गया है। इस समय वायरल और टाइफाइड के मरीज बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कोई मरीज जिसमें हमको थोड़ी भी आशंका लगती है तो उसको तुरंत ही आइसोलेशन में लेकर के उसका इलाज शुरू कर दिया। आम जन में एक धारणा है कि सबको डेंगू हो रहा है जबकि असलियत यह है कि वो वायरल फीवर इस समय ज्यादा फैला हुआ है और साथ में टाइफाइड के भी मरीज बहुत अधिक संख्या में निकल के सामने आ रहे हैं। और उसका प्रमुख कारण यह है कि अभी कुछ समय पहले ही बारिश का सीजन खत्म हुआ जिसकी वजह से पेयजल थोड़ा दूषित है। तो मेरी अपील पब्लिक से यही है कि पीने का पानी जो इस्तेमाल करें या तो वो फिल्टर्ड हो या फिर उसको उबाल के ठंडा कर लें और फिर उस पानी का इस्तेमाल करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।